स्ट्राइकर का, बट अभी के लिए निकलना पड़ेगा। लेकिन जॉनाथन के ऊपर धाव बोला गया, अभी इसके लिए उनको काल से उछला जाएगा, नॉकआउट कर देगा। तरफ से जी गॉड भी कोशिश जरूर कर रहे, लेकिन मेरे ख्याल से विजन कंप्लीटली ब्लॉक है, वहां से वो नॉकआउट करने का नहीं बन पा रहा है। तो पास से जाके यहां पर कोशिश करेंगे, लेकिन इस भिड़त में जॉनाथन का मैं अर्ली कैजुअलिटी। मैं ये सोच रहा हूं जॉनाथन ने वहां पे शॉट्स भी नहीं कनेक्ट करे, मुझे नहीं लगता उन्होंने एक भी शॉट्स वहां पे कनेक्ट करा था। पर हाइड्रा वर्सेस एबाइम की जो फाइट है वो भी चल चुकी है। एटलस की बात करें, वहां पे लेजेंड को डाउन किया गया, जीगॉड का एक बढ़िया ग्रेनेड जाता हुआ, फ्लैंक एंगल यहां पे चेक करने पड़ेंगे। स्ट्राइकर डाउन करते हुए क्लच गॉड को, स्ट्राइकर खुद भी डाउन किए जाएंगे। इस ब्लैक थोड़ा काउंटर फ्लैंक के लिए जा रहे थे और कुछ ज्यादा ही स्प्लिट हो गया यहाँ पे। हैदराबाद हाइड्रास का भुगतान करना पड़ेगा, क्लच गॉड डाउन है, रिवाइव किए जाएंगे। बट अभी भी दो प्लेयर बचेंगे हैदराबाद हाइड्रास के, मैंटी एंड मैक्सी, डेडली डू बचेंगे अपनी टीम से। जॉनाथन को खो चुके हैं, बट बाकी तीन प्लेयर आगे जा सकते हैं। मैंटी कोशिश कर रहे हैं अभी भी स्पॉट करने की, प्लेयर को उन्होंने स्पॉट किया। क्लच की बात करी जाए, वो डाउन किए गए मैंटी यहाँ पे डाउन, मैक्सी लास्ट प्लेयर बचेंगे अपनी टीम से। एक बढ़िया ग्रेनेड और उसके साथ पूरी स्क्वाड हैदराबाद हाइड्रास की एलिमिनेट होती हुई दिखाई देगी। जी हाँ, गॉडलाइक का मुकाबला हुआ था हैदराबाद हाइड्रास से। इसी के साथ सबसे पहली स्क्वाड इस मैच से बाहर, बिल्कुल।